अच्छा हाँ हमने आवरा सुने नहीं जाए गोली सुने के ये गाना ये फटा फूटी सुने जाए सीधा सीधी बात आ, राज करो भाई उनको गाना ना सुने नहीं सुने भाई तक काम तो आदमी लगे दोनों की शिल्पी राज के ना, ना। <laughs> हम ना जाने गाना उनके गांव का लोग भी नहीं सुनता है और इनके भाई हैं अच्छा बता दीजिए गाना बता दीजिए चलिए सुनता है तो गाना बता अब सर्च मारने दीजिए देख लीजिए कौन सा गाना है, इनके भाई हैं शिल्पी राज का ये गाना नहीं सुनता उनका इतना कभी कभी असली गाना गा देते हैं कि उनके भाई लोग भी उनके गांव के गाना नहीं नमस्कार आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और अभी हम उपस्थित हैं राज वही सिल्पी राज जो भोजपुरी गाने का आजकल आज उनका गाना इतना हाईलाइट हाई है और एक सुपर स्टार भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं वो कोई भी गाना गाती पवन सिंह खेसारी ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जो जिसका गाना शिल्पी राज के साथ नहीं आया हो तो अभी हम राज के गाँव में उपस्थित है और शिल्पी राज का ये सामने वाला घर है और मैं आप आप सभी को शिल्पी राज के जो घर है वो वही दिखाना चाहते हैं और उनके गांव में आए हुए थे तो ये गांव कौन सा ये है ये यहाँ के जो लड़के हैं कुछ बताते हैं इनके इनका ये गांव कौन सा है जी करही पांडे कर दिखाई जी करही पांडे और शिल्पी राज का घर कौन है यही बगल में जी आ, तो शिल्पी ये शिल्पी राज का घर है जो कि देख सकते हैं इन लोग का इतना घमंड है और इतना मन बढ़ गया है कि आपको मैं बता दूं कि ये लोग घर में से नहीं निकल रहे हैं बोला जा रहा है कि शिल्पी राज मना कर दिए घर में सभी लोग हैं लेकिन सभी लोगों को बताया जा रहा है कि शिल्पी शिल्पीराज मना करती है तो जो भी दर्शक देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि पैसा के नशा में इतना चूर हो गई है शिल्पी राज और शिल्पी राज के घर वाले कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है जैसे गाँव के लोग भी बता रहे हैं कि उसको पैसा का नशा हो गया है उसके घर वालों को भी कहीं ना कहीं पैसे का घमंड हो गया है कि घर से निकल के नहीं बोल रहे हैं और और मैं सिर्फ कुछ बनाने नहीं आया था मैं तो सिर्फ दिखाने आया था कि शिल्पीराज का घर है एक गरीब घर से कैसे निकली और ये उभरता हुआ सितारा आज के ज़माने में बन गई कैसे बन गई तो यही मैं दिखाने के लिए आया था लेकिन उसके घर के मतलब मैं बता दूँ कि उसके घर में सभी लोग हैं लेकिन सभी लोगों को शिल्पीराज ने मना कर रखा है कि तुमको किसी के सामने नहीं बोलना है नहीं घर दिखाना है घर भी दिखाने के लिए मना किया जा रहा है बताइए तो कोई तोप नहीं है शिल्पीराज की उसको 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 दिखाने के लिए हम लोग गोपालगंज से आए हुए थे तो उसको सोचना चाहिए शिल्पीराज के घर वालों को कि उसके बारे में कुछ बताएं लेकिन मेरा मकसद यही है था कि शिल्पीराज को दिखाया जाए क्योंकि एक गांव से निकल के शिल्पीराज आई हुई मतलब एक नई लड़की है और भोजपुरी में काफ़ी अपना पकड़ बना ली है हालांकि शिल्पीराज को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने घर वालों को और कहीं ना कहीं अब उसके भाई को भी घमंड हो गया है और गांव के लोग बताते हैं कि आजकल पैसे के नशे में वो सभी चूर हो चुके हैं। तो ये शिल्पीराज का घर आप देख लीजिए आइए हम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं शिल्पीराज का घर यही घर है शिल्पीराज का जो कि आप लोग देख रहे हैं लाइव चैनल के माध्यम से हमारे शिल्पीराज का घर देख रहे हैं ये शिल्पीराज का घर है और ये इनके पिताजी हैं जी तो उनके पिताजी हैं जो इनका स्वर्गवास हो चुका है और कहीं ना कहीं घर में इनके सभी लोग रहते हैं दो तीन दिन पहले शिल्पी राज भी आई हुई थी अपने घर पे तो ये शिल्पीराज का कहीं ना कहीं आज के ज़माने में मतलब अभी इतना उनका गाना खेसारी हो पवन सिंह हो बहुत सारे लोगों के साथ उनका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है और तो वही गाना से उनके स्टार्टिंग हुई थी कुंवर में गंगा नहिले वानी वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी और अब देखिए कि अब शिल्पी राज के घर पे आए हैं लेकिन कोई बाहर निकल के पूछने वाला तक भी नहीं है और यही मीडिया का प्रभाव है और कहीं कही ना कहीं हम लोग तो चाहते नहीं हैं किसी को बदनाम करना चाहे कोई भी हो हम लोग चाहते हैं कि उन लोग का नाम हो और आगे बढ़े एक गरीब घर की लड़की आगे बढ़े और ये शिल्पीराज का घर है दिखा दीजिए यही शिल्पीराज का घर है जो कि अपने कमाई से अपने पैसे से शिल्पीराज ने अपना घर ये बनाया है तो अब इधर आइएगा थोड़ा रहिएगा सबको मना कर दिया क्या जी शिल्पीराज देखिए सब लोग लड़का सब डर रहा है कि मना कर दिया राज नहीं बोलना है अभी हम हमसे बात भी हुआ था शिल्पी राज से तो बता रहे थे कि हमारी मम्मी है उनसे बात कर लीजिए लेकिन उनकी मम्मी भी घर में नहीं निकल नहीं नहीं रही है उनकी मम्मी भी देखिए जब पैसा आदमी के पास आ जाता है तो उसको नम्र हो जाना चाहिए लेकिन जब पैसा आ जब आ गया है देखिए पहले ये लोग टाट मूंझ फूस में रहते थे न जी पहले ये इनका घर देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि एकदम गरीब सामान्य परिवार की लड़की है अब ये देखिए तीन मंजिला घर बनवा लिया भोजपुरी गाना में गा के लोग आज के घर थोड़ा सा पूरा दिखाइए ऊपर से लेकर नीचे तक तो शिल्पी राज का घर आते जाइए और ये शिल्पीराज का गांव है जो कि करही पाड़े गांव है भाटपार रानी के अंतर्गत ये पकड़ी बाबू यहाँ पे इनका चौक है वहीं पे ये करही पाड़े गांव है और यहाँ के बहुत सारे लोग भी हैं इनके गांव के और ये शिल्पीराज का घर हमने दिखाना इसलिए जरूरी समझा कि भोजपुरी की वो एक जानी मानी कलाकार है इसलिए एक शिल्पी, शिल्पी राज को का घर दिखाया जाए अच्छा शिल्पी राज का रुआ का लगे नहीं शिल्पी राज के भाई लगा भाई लगे नहीं तो शिल्पी राज एक गरीब परिवार से निकल बड़ी क्या नाम पड़े रहा

गाँव के भाई हैं गाँव के भाई हैं उनके कौन सा गाना सुने शिल्पीराज के बहुत गाना गाई है अब नाम तो नहीं जानते हैं कौन का। आपका इसका मतलब आप भी नहीं सुने उसका मतलब भोजपुरी गाना हम सुनते ही नहीं है शिल्पीराज के अपने गाना सुनते नहीं सुनते हैं ऐसा तो बजता ही है